हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू गुडी सैम्स फैमिली ब्लॉग। आज मैं आप सबके साथ गिर नेशनल पार्क विजिट करने आई हूँ। गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिचुएटेड है एंड इसको ससन गिर नाम से भी जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क में 13 रूट है और हम लोग यहाँ पे रूट नंबर 6 में एंट्री किए हैं। यहाँ हमको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा। पूरे एशिया में गिर एक ही मात्र जगह है जहाँ पे हमको नेचुरल कंडीशन में लायन देखने को मिलेगा। और हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे गाइड के साथ, एकदम अर्ली मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे, जैसे कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था जिस टाइम में जाके हमें एंट्री कराना है। और यहाँ पे देखिए, पूरी जंगल में हम लोग अभी टूर लगा रहे हैं, फिर भी अभी एक भी लायन हमको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जो आईडी प्रूफ बोला गया था उसके साथ ही चेक करा के ही एंट्री किए हैं जंगल में। अभी थोड़ा बहुत सुबह होने लगा है, फिर भी एक भी लायन हमको देखने को नहीं मिला है। गिर नेशनल पार्क सबसे यूनिक जंगल है जहाँ पे लायन आपको एकदम पास में गुजरते हुए देखने को मिलेगा। और खुली जीप में सफारी करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और जैसे पास में हम लोग लायन को देखेंगे तब तो फीलिंग्स कुछ और ही होगा। चलिए देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। आप जंगल आओगे सफारी करने और आपको हिरन एंड मोर देखने को नहीं मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। फाइनली में मिली गया जंगल की राजा के दर्शन। फोटो ले लो। वीडियो वीडियो ले रही ले रही। बैठ गया उधर और दूर बैठ गया तो कोई नहीं, मजा ले रहा है।
एक मिनट रुकिएगा भैया, एक मिनट रुकिएगा। किसको दबाना है ये, किसको करना है? मैं वीडियो करती हूँ, वीडियो बनाने के लिए रखती हूँ। वीडियो के लिए? वीडियो ले तो ली, आवाज़ नहीं करो तुम, करो ना। इतनी पास से लायन को देख के हम बहुत डर लग रहा था और खुशी भी लग रहा था। वैसे तो हम इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो पास आएंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसे अटैक नहीं करते हैं और टूरिस्ट को देखते हुए वो एकदम उनका आदत भी पड़ गया है। फिर भी हम लोग इंसान हैं तो मन में तो डर रहेगा ही, कहीं अटैक ना कर देगा। फिर भी हम लोग उसको एंजॉय भी कर रहे थे और इतना डर था मन में कि शूटिंग भी अच्छे से हम नहीं कर पाए। और बहुत जीप जा रहे थे आगे पीछे होके, और कहीं भी किसी को लायन देखने को मिलता है तो वो गाइड दूसरी गाइड को इन्फॉर्म कर देते हैं और वो टूरिस्ट को लेके तुरंत उसी एरिया में पहुंच जाते हैं। ये सब देखना भी एक लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी जल्दी ये सब दिखेंगे नहीं। फिर भी हमें मिल गया था 3-4 लायन एकदम सामने और पास से मिल गया था देखने के लिए। ये सब इतनी ज़ोर का आवाज़ कर रहे थे कि हम तो डरे हुए बैठे थे गाड़ी में। फिर भी हमें टूरिस्ट बोल रहा था आप लोग बिल्कुल भी आवाज़ मत कीजिए, वो कुछ भी नहीं करेंगे, पास आएंगे फिर भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एक लायन चलते हुए हमारी जीप के पास आ रहा था, और क्या बताओ कुछ पल के लिए तो मेरी सांस एकदम रुक गया था। फिर भी ये जितना पास आ रहा था ना, हम लोग हिम्मत में तो बैठे हुए थे क्योंकि गाइड जो हमारे साथ था, फिर भी एकदम सांस रुका हुआ था। पर ये पास आया, एकदम पास से गुजर गया, कुछ भी नहीं किया। ये फीलिंग्स तो कुछ और ही है, ये एकदम यूनिक एरिया है और इसको तो एक बार विजिट करना भी चाहिए।
फाइनली हमारा गिर नेशनल पार्क का टूर हो गया है और हमारा लक इतना अच्छा था कि हमें 5-6 लायन भी देखने को मिल गया। तो अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आया है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल बटन है उसको ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग में जो कि अहमदाबाद का ही है, गुजरात टूर है। तो जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, जय जगन्नाथ।